हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरे एम्बेसिंग रिपोर्ट की कंटिन्यूशन का सेकंड पार्ट है ये। मतलब कि ये जो बाइक है इसकी सेकंड सर्विस भी हो गई है अराउंड 1100 किलोमीटर के करीब। पहली सर्विस हुई थी एक महीने पे 200 किलोमीटर पे, अब 6 महीने से ऊपर हो गया और सिर्फ 1100 किलोमीटर हुआ। तो दिस इज़ वेरी एम्बेसिंग। बाइक में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, नॉर्मल चल रही थी, बट सर्विस कराना ज़रूरी और क्रिटिकल इसलिए हो जाता है तो वारंटी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे ना चाहते हुए सर्विस करानी पड़ी है इसकी, बट सर्विस कराने से फ़ायदा ये हो जाता है बाइक बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। नई तो वैसे भी थी, बट सर्विस करने से थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ जाती है। पहले जैसे जो इसका 6th गियर है वो अबव 60 ही लग पाता था, बट 1000 किलोमीटर से ऊपर चल गया तो आई गेस इंजन थोड़ा रनिंग हो गया, तो गियर है 6th गियर वो 50 के अराउंड लग जाता है। बाइक इज़ मच मच स्मूदर, इंजन बहुत स्मूथ हो गया, बट समाउ जो मुझे वाइब्रेशंस हैं थोड़ी माइल्ड वाइब्रेशन अब पैक्स पे फील हो रही है। बाइक में एज सच कंप्लेंट्स कुछ भी नहीं थी, नॉर्मल सर्विस होनी थी, ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ। बिल सरप्राइजिंगली पिछली बार से कम आया, क्योंकि ये जो चैन ल्यूबिंग है ये महिंद्रा ने 550 रुपये की रखी हुई थी लास्ट सर्विस तक, उसमें 250 रुपये कम कर दिए हैं, तो वो जो 250 रुपये हैं वो कम हो गए। और कुछ बाइक्स की बातें जो मैं लास्ट बार बता नहीं पाया था आपको या भूल गया था, मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो इसके हैंडल बार ग्रिप्स हैं, हमारे छोटे अगर हाथ हैं, मीडियम हाथ है, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ग्रिप होता है। जैसे मैं हैंडल ये पकड़ता हूँ तो ये जो वेट्स हैं बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड नहीं करते हैं। बाकी बाइक्स में मैंने देखे बहुत बाहर निकले रहते हैं, तो ट्रैफिक में कहीं ना कहीं लगने का डर लगता है। इसमें जो है बहुत राइट साइज्ड हैंडल्स हैं, ये ग्रिप करने के अच्छे हैं, और ये जो वेट्स हैं ये बहुत एप्टली साइज्ड हैं। सेकेंडली, मेरे को मैकेनिक ने कहा इसमें आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो फ्यूल गोज कभी ऊपर नीचे शो होता रहता है, उसके लिए हमेशा मोर देन हाफ टैंक इसके अंदर रखो तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मैंने उसके कहने पर एक बार टैंक फुल तो करा लिया है, तो लेट अस सी उसका क्या होता है। एंड थर्डली, एक जो चीज़ मैंने गौर करी जो कि सुपर बाइक्स में काफ़ी किसी भी बाइक में मैंने आज तक नहीं देखी, वो इसमें है कि अगर ये बाइक न्यूट्रल में भी है और आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्लच जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। अगर क्लच प्रेस नहीं किया तो ये स्टार्ट नहीं होती है। आई विल शो यू, अभी ये न्यूट्रल पे है सिमोन, बटन दबाओ स्टार्ट करने का, स्टार्ट करने वाला बटन दबाओ, इसको नीचे करो, नीचे बाइक स्टार्ट करने वाला बटन प्रेस करो, ये वाला देखो नहीं हो रही स्टार्ट, ये न्यूट्रल पे है गाइस पर फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। अब देखो हम क्लच प्रेस करते हैं, अब स्टार्ट करो तो बाद में अब ये स्टार्ट हो गया। ये मन में आया था इसके डीबी कलर्स निकलवा दूँ या थोड़े से एक लेवल एडजस्ट करा दूँ, बट समा मुझे लगा ये जो थम्पिंग साउंड है शोर मचाने का जो कार्यक्रम है वो दूसरी बाइक वालों को ही करने दिया जाए, दूसरी जो हमारी राइवल ब्रांड है वही करती है, अच्छी लगती है, वो आइडिया फ़िलहाल तो कर दिया है ड्रॉप। आपके इस बाइक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं नीचे। मुझे बहुत खुशी होगी जितना भी मेरा लिमिटेड या लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपको इस बाइक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में, शायद वो राइड का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आपको बाइक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती है अगली वीडियो में, बाय।